मेरे प्यारे व्यूवर्स उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे खुश और खुरम होंगे और अपने अच्छे अच्छे से कामों में बिज़ी होंगे तो जी अल्हमदम विलाग में आप सबको वेलकम कहती हूँ तो इस वक्त बन रहा है ब्रेकफास्ट और जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ ऑमलेट और इस ये सीज़न ऐसा स्टार्ट हो चुका है कि आज बहुत सारी वेजिटेबल्स घर में मौजूद होती हैं तो उनमें से हम जो चाहें यहाँ पर लगा कर और ऑमलेट बना सकते हैं तो आज मैंने जितनी भी थी इसमें डाल दी हैं और मज़े का ऑमलेट तैयार हो रहा है अक्सर घरों में बच्चे सब्जी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते तो जी ये बड़ा ही चक्की वाला तरीका है कि उन्हें ऑमलेट में इस तरीके से सब्जियां लगाकर और बड़ा ही मज़ेदार सा ऑमलेट बनाकर दे दें तो बहुत मज़े से खाते हैं तो यहाँ पर आज मैं बहुत सारा काम करने वाली हूँ और आपके साथ शेयर करूँगी आज मेरा आउटडोर व्लॉग नहीं है आठे मैंने पहले से तैयार करके रख लिए हैं जी और ये सिर्फ़ और सिर्फ मैंने खाना है क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो एग वग़ैरह नहीं लेते तो जी यहाँ पर बैठ कर जब तक मैं कोई प्रोग्राम ना लगा लूँ तो मेरे अंदर कोई नवाला ही नहीं जाता तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं कर रही हूँ जिस स्टोव की सफाई और ये एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि चंद दिन पहले मैंने शेयर की है चांदी के सिल्वर के बर्तनों को ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो होती है जी हमारे पास कोलगेट का पाउडर हो या फिर डेंटोनिक दोनों में से कोई सा भी हम पाउडर यूज कर सकते हैं तो यही पाउडर अगर हम स्टोव पर डालकर अपने घर के किचन के स्टोव्स को क्लीन करें तो यकीन मानिए यकीन कीजिए के इस तरह से स्टोव चमकते हैं जैसा कि चांदी की तरह चमक रहे होते हैं पास घरों में स्टोव ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर कोई ना कोई पेंट किया हुआ होता है या फिर कोई ना कोई डिज़ाइनिंग की गई होती है तो उसके ऊपर हम ये यूज़ नहीं करेंगे हमने सिर्फ और सिर्फ प्लेन सिल्वर पर यूज़ करना है और ये बहुत तेज़ी से अपना काम दिखाता है और यहाँ से सारी मैल को कुल वगैरह को ख़त्म कर देता है जो भी हार्ड स्ट्रेंस होते हैं उनको फौरन से ही यहाँ से हटा देता है इसको इस्तेमाल करने का तरीका सिर्फ़ वही होगा जो कि मैंने उस वीडियो में शेयर किया है यानी ये पाउडर पर हमने बहुत ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना और ना ही कोई गीला स्पॉन्ज इस्तेमाल करना है सिर्फ और सिर्फ एक से दो कतरे हमने वाटर के लेने हैं बाकी पार्ट भी इसके सारे इसी से क्लीन करेंगे बहुत ही तेज़ी से अपना काम दिखाता है जितना भी इसके ऊपर रस्ट बन चुका होता है सारा ये उतार देता है और ये देखिए जी बाकी पार्ट ऐसे जल्दी जल्दी क्लीन हो रहे हैं जैसे पता नहीं ये पाउडर बना ही इसी चीज़ के लिए तो जी हमने इसे रोज़ रोज़ भी इस्तेमाल नहीं करना मैं बार बार हर अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ कि किसी भी चीज़ को आदत नहीं बना लेना चाहिए और इस तरह ज़्यादा इस्तेमाल से भी हो सकता है कि चीज़ें खराब हो लेकिन इसके साथ खराब होने का कोई खदशा नहीं है लेकिन ये है कि वीक में एक बार तो ज़रूर यूज़ करें ना इसे वीक में एक बार पूरे चूल्हे की स्टोव की चीज़ें हटा कर और इसे अच्छे से क्लीन कर लें बस हमें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है वैसे तो हम रोज़ाना यहाँ पर कोई ना कोई जो स्टोव को साफ़ करने के लिए टॉवल होता है वो लगाते रहें तो उसी से ही हमारा स्टोव साफ़ रहेगा और ये देखिए जी जब हम इसे क्लीन कर लें तो उसके बाद हमने एक ड्राई फैब्रिक यानी टॉवल वगैरह ले लें कोई खुश्क कपड़ा लें सूती कपड़ा लें उसके साथ स्टोव को अच्छे से क्लीन कर लेना है यहाँ पर कोई भी पानी वगैरह नहीं रहना चाहिए यानी कि जी गिल्ला गिला बिल्कुल नहीं छोड़ना जिस तरह हम घरों में फर्श वॉश करते हैं बाद में वाइपर से उसे अच्छी तरह से ड्राई करते हैं और इसी तरह हम जैसे ही अपने कपड़ों को वॉश करते हैं अच्छे से स्पिन करते हैं और जी इस तरह बहुत सारी मिसालें हैं तो इसका मकसद ये होता है कि अगर हम पानी को अच्छे से वहाँ से क्लीन नहीं कर देंगे निकाल नहीं देंगे तो वो चीज़ ना तो चमकेगी और ना ही अच्छे से क्लीन होगी और वो डब खड़बी सी नज़र आएगी कहीं नजर आएगी तो कहीं चमक नजर आएगी तो ये तो फिर कोई सफाई ना हुई वैसे आप ज़्यादा समझदार हैं हर बात को समझते होंगे अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल रही हूँ तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा और और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा लेक्चर दूंगी मेरा हक बनता है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें और जी लाइक भी दे दिया करें कोई बात नहीं लाइक देने से हमें पैसे नहीं मिलते लेकिन लाइक देने से ये होता है कि इंसान का जो है ना वो खून ज़्यादा जोश मार है कि मैं बहुत अच्छा काम करके दिखाऊं और जी अगर काम अच्छा लगे तो शेयर भी कर दिया करें कोई बात नहीं अच्छा जी तो ये तो मैं बढ़ती जा रही हूं अच्छा जी ये देखें जी ये स्टोव आप देख लें आपके सामने है, किस तरह चमक रहा है ऐसा लग रहा है जैसे आज ही नया लेकर आई हूँ किचन की क्लीनिंग के बाद जो भी चीज़ें किचन के मुतल हों या घर के किसी भी रूम के मुतलिक हों उन सबको मैंने संभालना होता है जैसा कि विंटर स्टार्ट हो चुके हैं जी और अब इन अंडों को इन एगों को हम फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रख सकते क्योंकि ये फ्रिज में भी जम जाते हैं तो इन्हें बाहर ही रखना होता है और कभी मैं इन्हें उठा के किचन में रख देती हूँ और कभी इन्हें बाहर इस तरफ ले आती हूँ डाइनिंग टेबल में तो आज मैं आपको दिखाने के लिए जा रही हूँ शाम का टाइम है ये देखिए जी, जी तकरीबन तो चार पाँच बजे का टाइम होने वाला है और रोशनी भी कम है इसी वजह से आपको लग रहा होगा तो मैं दिखाने जा रही हूँ कि मैं जो मुल्तान गई थी तो वहाँ की नर्सरी से कौन से प्लांट्स लाई थी ये है जी रोयो प्लांट बहुत ही खूबसूरत कलर है दो कलर्स में देखा है आपके कि सामने किस कदर खूबसूरत है और मैं ये एक लाई थी और इसके मैंने तीन बना लिए तो इसके बाद जो मैं आपको दिखाने वाली हूं ना प्लांट वो तो उसकी तो बात ही कुछ और इतना खूबसूरत कलर है ये है जी रोजेज ये रोजेज लगे हुए हैं इसके ऊपर ये देखिए जी ये गुलाब के और ये है जी ऑरेंज कलर में ऑरेंज कलर मुझे बेहद पसंद है तो ये मैं लाई हूं अभी मैंने इसे जमीन में नहीं लगाया ये मैं आपको उठा के दिखाती किस तरह से लगा हुआ है और ये देखिए जी ये जो है मैं फुर्सत में लगाऊंगी जब फुर्सत मिलेगी तो लगाऊंगी ये देखिए जी और इसको लगाने का एक खास ट्रिक होता है गुलाब के प्लांट को लगाने का या फिर नर्सरी से इस तरह से जो हमें बंडल बनाकर मिलते हैं प्लांट्स उनको लगाने का भी एक तरीका होता है जो कि मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी और ये देखिए जी नज़दीक से देखिए किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं दिल करता है बस इन्हें अंदर ले जाऊं लेकिन वहाँ जाकर इन्हें मैं रख नहीं सकती और इसलिए जहाँ पर मैंने रखे हुए हैं एक साइड पर ताकि काम करने वाली भी इसे डिस्टर्ब ना करे तो यहाँ पर मैं दूसरे प्लांट्स भी आपको दिखाती हूँ कि और कौन कौन से प्लांट्स हैं और ये देखिए जी ये है यूफोरबिया ये यूफोर्बिया जो है ये इस प्लांट के बहुत सारे कलर होते हैं इसके ऊपर जो फ्लावरिंग होती है बहुत सारे कलर होते हैं तो इस वक्त मेरे पास चार हो चुके हैं तो मैं दो लेकर आई हूं इस बार दो मेरे पास पहले से थे तो ये देखिए जी ये अभी बहुत छोटा सा बहुत छोटा सा ये पिंक है तो पिंक लेकर आई हूं और दूसरा मेरे पास जो है वो ये मेरे पास ऑरेंज पहले से है और एक है मेरे पास रेड ये मेरे पास चार हो गए हैं और जब ये बड़े होंगे और खूब फ्लावर ंग पर होंगे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं मुल्तान से जो शॉपिंग हुई है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी और मैं मुल्तान जो है अपनी फ्रेंड के साथ जाती हूँ वो ग्रॉसरी जो है वो मुल्तान से करती हैं तो जी मुझे भी अपने साथ ले जाती हैं इस तरह मेरी मौजें लग जाती हैं और मैं वीडियोस बना लाती हूँ और ये देखिए जी यहाँ पर मैंने मनी प्लांट्स के कुछ पॉट्स रख दिए हैं अब मैं यहाँ साथ साथ मेरा काम भी होता रहता है और इधर उधर घूमते फिरते सारा दिन इसी तरह मेरे काम चलते रहते हैं तो यहाँ पर जो बास्केट्स खाली हो चुकी हैं बनाना आज मैंने ख़त्म कर दिए हैं और बाकी यही फ्रूट बच गए हैं तो जो बास्केट्स होती हैं इन, इनकी जगह मैंने अलग से बना रखी है इन्हें वहाँ पहुँचा दूँगी तो इस वक्त काफ़ी शाम का टाइम हो चुका है और जी किचन में मेरे हस्बैंड उस पतीली को फ्री कर रहे हैं जिसमें मिल्क लेना होता है तो ये इस पर से क्रीम वगैरह उतार देते हैं जो कि मैं देसी घी बनाती हूँ फिर और आज मैंने जो है खाने में बनाई है जी बंद गोभी बंद गोभी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है वीक में एक दो बार मैं ज़रूर बनाती हूँ यहाँ बहुत अंधेरा अंधेरा कर रखा था तो मैंने लाइट जलाई है कुछ रोशनी ज़्यादा हो गई है तो ये देखिए जी बंद गोभी थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ ये है जी बंद गोभी इतनी सी रह गई है और साथ मैं यहाँ पर कुछ बनाना चाह रही थी तो उधर से गैस चली गई गैस का कोई पता नहीं चलता है किस वक्त आती है और किस वक्त चली जाती है जो चीज़ पक रही होती है वो पकते पकते रुक भी जाती है और बाजों का तो बिल्कुल ही नहीं आती गैस और इसके बाद जी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एक और चीज़ वो एक ख़ास चीज़ है जो कि मैंने बना के रखी है और वो मैं आइंदा आने वाली वीडियो में ज़रूर शेयर करने वाली हूँ और वो है जी ये ये देखिए जी मिंडियाँ इसे मिंडी भी कहते हैं इसे गुत भी कहते हैं और ये देखिए इस तरह से और ये इस तरह से मैंने काफ़ी सारी बना के रखी हुई है और इनके साथ मैं क्या करने वाली हूँ क्या बना के दिखाने वाली हूँ ये आने वाली वीडियो में ही पता चलेगा बहुत ही खूबसूरत लगेंगे ये और बहुत आसान है और ये जो है ये जूट थ्रेड है जो कि मैं कई बार बताती हूँ कि बहुत ही सस्ता मिलता है और मैं इससे बहुत सारी चीज़ें बना लेती हूँ तो ये थी जी मेरी आज की बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक्स दीजिए कमेंट्स कीजिए और शेयर जरूर कीजिए दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज